हम देख लेते हैं वॉकिंग एड्स, देर आर नंबर ऑफ एड्स जो हैं अवेलेबल होते हैं पेशेंट की हेल्प के लिए, लोगों की हेल्प के लिए जिनको वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है या कोई इंडिपेंडेंटली जो नहीं वॉक कर सकते उनके लिए वॉकिंग एड्स होती हैं। एक्सटर्नल जो वॉकिंग एड्स हैं हमारे पास, उसमें जो है क्रचेस होता है, स्टिक्स हैं, फ्रेम्स हैं, ब्रेसेस और स्प्लिंट जो है वो भी होती हैं। बट इस चैप्टर में हमारे पास जो यही बताए हुए हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्रचेस, स्टिक्स एंड फ्रेम्स के बारे में। जब हम बात करते हैं क्रचेस की, क्रचेस की बात करते हैं, हमारे पास तीन बेसिक टाइप के क्रचेस होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वेट बेयरिंग जो है उसको रिड्यूस किया जाए वन लेग पे या दोनों लेग पे। और उसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, उसके साथ क्रचेज इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि वो एडिशनल सपोर्ट दें जहाँ पे बैलेंस जो है इम्पेयर्ड हुआ हुआ है या फिर स्ट्रेंथ जो है उनकी इनएडिक्वेट है। तो इसलिए जब भी बैलेंस इम्पेयर्ड होगा तब हम क्रचेज देंगे, और उसके साथ जहाँ पे मसल की स्ट्रेंथ सही नहीं है तो वहाँ पे क्या है हम क्या कर रहे होते हैं क्रचेज दे रहे होते हैं। ठीक हो गया, देना हमारे पास पहले जो हमारे पास आता है वो है एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच जो ज़्यादातर बनी होती है वुड से, इसमें एक्सिलरी पैड होता है, हैंड पीस होता है, रबल फ्लेयर्स होते हैं, और जो हमारे पास हैंड पीस जो होता है और उसकी लेंथ जो होता है वो एडजस्टेबल होती है ना, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको बताया हुआ है हमारे पास, ये जो है इमेज में ये एक्सिलरी क्रच है, इसका ये हैंड पीस है और ये फ्लेयर्स है। जो फ्लेयर्स का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जब भी वॉकिंग कर रहे हो तो ये स्लिपिंग से बचा रहा होता है, तो इसलिए ठीक है। और ये जो आपकी लेंथ जो है इसकी, ये क्या है एडजस्टेबल होती है, और ये जो हैंड की जो प्लेसमेंट है वो भी क्या है एडजस्टेबल होती है। ये हमारे पास है एक्सिलरी क्रच, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये है फोर आर्म क्रच है, पहले हम एक्सिलरी देख लेते हैं उसके बाद हम ये करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक्सिलरी पैड जो होगा वो रेस्ट करेगा अगेंस्ट चेस्ट वॉल अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। जो एक्सिलरी पैड है जो आप ये देख सकते हो ऊपर, ये एक्सिलरी जो पैड है ये 5 सेंटीमीटर जो है चेस्ट वॉल के अगेंस्ट होता है, रेस्ट कर रहा होता है। अच्छा, बिलो दी रेस्ट कर रहा होता है, बिलो दी अपेक्स ऑफ एक्सिला एंड द हैंड ग्रिप शुड बी एडजस्ट टू अलाउ दी एल्बो टू बी स्लाइटली फ्लेक्स व्हेन द वेट इज नॉट बी टेकन। जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, हैंड जो ग्रिप है उसको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं ताकि एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स हो जब हम वेट उस पर नहीं पुट कर रहे ना तब, और जब हम वेट ट्रांसमिट हो रहा होता है हैंड से जो आपके सॉरी आर्म से हैंड के हैंड पीस पे, तो हमारी जो एल्बो होगी वो क्या होगी एक्सटेंडेड पोजिशन में होगी, एल्बो जो होगी एक्सटेंडेड पोजिशन में होगी। हमने कोशिश करनी होती है कि जो एक्सिलरी पैड है उस पर ज़्यादातर फोर्स जो है मैक्सिमम वेट ना पड़े, क्योंकि उससे क्या होता है न्यूरोप्रेक्सिया या रेडियल नर्व या ब्रेकियल प्लेक्सिस की प्रेक्सिस में नर्व में या ब्रेक्सी प्लेक्सिस में न्यूरोप्रेक्सिया हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं प्रोवेंट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे वेट एक्सिलरी पैड पे ना पड़े, ठीक है। इसकी हम मेजरमेंट जो है वो किस तरह देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं जिसके लिए हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं पेशेंट के लिए क्रचेस की। हम सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को या तो आप लाइंग पोजीशन में लेके जाते हो, तो फिर हमारे पास लाइंग पोजीशन के हमारे पास दो मेथड हैं। उसमें सबसे पहले हमने शू को, अगर किसी ने शू पहना हुआ है तो वो अगर उतारेगा तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे फ्रॉम द अपेक्स ऑफ एक्सिला टू द लोअर मार्जिन ऑफ द मिडिल मैलस, मिडिल एक्सिला से लोअर मार्जिन ऑफ द मिडिल मैलस, जो आपका मिडिल मैलस कहाँ पे है आपका एंकल जॉइंट में, आपकी मिडिल मैलस है टिबिया, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ तक लेके जाते हो, इट इज़ ईजी मेजरमेंट है एंड इट इज़ रीजनेबली रिलायबल है ये मेजरमेंट, ठीक है। एक हमारे पास ये है, जब आपकी जो शू अगर आपने पहने में तो आप क्या करते हो 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउन फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द एक्सिला टू द पॉइंट 20 सेंटीमीटर जो लेटर टू द हील ऑफ शू जो है उससे 5 सेंटीमीटर आप क्या करते हो एपेक्स ऑफ एक्सिला से 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउनवर्ड रखते हो, और जो आपकी हील ऑफ शू से सेकेंड पॉइंट जो होगा वो 20 सेंटीमीटर लेटर होगा। ये जो है ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट मेथड है देन द, ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट मेथड है देन द फर्स्ट वन, इससे
जब हम मेजरिंग फ्रॉम द एक्सिलरी पैड टू द हैंड ग्रिप शुड बी टेकन, हम ले रहे होते हैं तो एल्बो जो होगी स्ट्राइटली फ्लैक्स होगी, मैक्सिमम जो होगी हम कहते हैं कि 15 डिग्री जो होगी, अगर हम देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर बिलो दी एपेक्स से एक्सिला से है टू द जो अल्नर स्टेलाइट प्रोसेस है वहाँ तक। हमने जब मेजरमेंट कर ली, पेशेंट जो है पेशेंट को स्ट्रेन करवाया क्रचेज पे, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, वो पूरा करेगा कि क्या क्या क्रच की अलाइनमेंट सही है, और देखेगा कि जो एक्सिलरी पैड है वो एक्सिला पे प्रेशर तो नहीं अप्लाई करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसको देख के फिजियोथेरेपिस्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। हमारे पास ये जो था एक्सिलरी क्रच की मेजरमेंट थी। देन हम देख लेते हैं एल्बो क्रच। एल्बो क्रच की बात क्या है, एल्बो क्रच भी ही हमारे पास जो है मेटल की बनी होती है, और है इसमें क्या होता है, मेटल या प्लास्टिक का फोरआर्म बेंड होता है जिसके साथ वो क्या होता है ग्रिपिंग हो रही होती है उसकी। इट इज़ यूजली वो जो एडजस्टेबल होती है लेंथ के हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर प्रेस क्लिप्स और मेटल बटन लगी होते हैं, और इसमें रबर फ्लर्स भी होता है जो स्लिपिंग से बचाता है। ये हमारे पास जो क्रचेज हैं हम उनको दे रहे होते हैं जिनमें पेशेंट में गुड बैलेंस हो और उनका जो है आर्म जो है वो स्ट्रांग होते हैं, और इसमें जो वेट होता है सेम उसी तरीके से ट्रांसमिट हो रहा होता है जैसे हमारे पास एक्सिलरी क्रचेज ट्रांसमिट कर रही होती है वेट को। जब हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं, द मेजरमेंट इज टेकन विद दी पेशेंट, जब पेशेंट लाइंग पोजिशन भी होगा, जब शूज़ ऑन पहने होंगे पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे, एल्बो जो होगी स्लाइटली फ्लैक्स होगी 15 डिग्री, एंड द मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द अल्नर सैटेलाइट पॉइंट टू द 20 सेंटीमीटर लैटरल टू द हील ऑफ टो हील ऑफ़ द शू। ठीक है, हम क्या करते हैं 20 सेंटीमीटर लैटर टू द हील ऑफ़ द शू से क्या करते हैं, ले लेते हैं और मेजरमेंट कहाँ से, अनर स्टेलाइट प्रोसेस से लेके 20 सेंटीमीटर लैटर टू द हील ऑफ शू तक लेते हैं मेजरमेंट, हम उसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। पेशेंट जो है उसको जब आप स्ट्रेनिंग कर देते हो उसको सपोर्ट के साथ, तो हम क्या कर रहे होते हैं उसकी लेंथ जो है दोबारा से देख रहे होते हैं। ठीक है, क्या और उसको एडजस्टमेंट देख रहे होते हैं उसकी। देन हमारे पास गटर क्रचेज जो है एडजस्टेबल एस्थेटिक क्रचेज भी कह सकते हो इसको, या फोरआर्म सपोर्ट क्रचेज भी इसको कहते हैं। ये मेटल की भी बनी होती है विद पैडेड फोरआर्म सपोर्ट एंड द स्टेप्स एंड एडजस्टेबल हैंड पीस एंड रबर फ्लर्स जो होते हैं इसमें होते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी हमने ऊपर आगे चल के देखते हैं, ये जो है यूज़ की जाती है पेशेंट को जो जिनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डिज़ीज़ है, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है रूमेटॉइड डिजीज़ जो होती है वो आपकी जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रही होती है, इसलिए तो वो रिक्वायर्ड सम सपोर्ट, बट जो वेट जो है वो हैंड पे नहीं ले सकते या रिस्ट पे या एल्बो पे नहीं ले सकते, क्योंकि रूमेटॉइड डिजीज़ की वजह से उनके जो में डिफॉर्मिटी आ जाती है, पेन होता है उसकी वजह से। तो ये क्रचेज जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो हम आर्म्स पे रख रहे होते हैं ताकि फोरआर्म के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट को, क्योंकि जो आप उनकी जॉइंट्स हैं उनमें पेन हो रहा होता है इसलिए ना। द क्रचेज इज एडजस्टेबल इन लेंथ इन द सेम वे जैसे आपकी एल्बो क्रचेज को हमने एडजस्ट किया था, इट शुड बी एडजस्टेबल इन द लेंथ ऑफ फोरआर्म सपोर्ट एंड द एंगल ऑफ द हैंड पीस टू अलाउ द एलो फॉर डिफॉर्मिटीज। अब जितनी मत अगर हैंड में डिफॉर्मिटी जितनी ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ द जो हैंड पीस है उसको आप क्या कर सकते हो, एडजस्टेबल कर सकते हो, देखते हो कि कम डिफॉर्मिटी है तो आप एंगल चेंज कर देते हो, ज़्यादा डिफॉर्मिटी है तो एंगल चेंज कर देते हो उस हिसाब से। ठीक है, ये हमारे पास जो है गटर क्रचेज है, ये हमारे पास है। ये इसमें क्या होता है आप देख सकते हो, इसमें एडजस्टेबल जो है फोरआर्म है, एडजस्टेबल लेंथ है, आपके फ्लर जो रबर के बने होते हैं जो आपको स्लिपिंग सरफेस से बचाते हैं। अच्छा, इसकी हम जब मेजरमेंट लेते हैं, जब हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरिंग ऑफ द लेंथ, इफ़ द पेशेंट इज़ एबल टू स्टैंड इट इज़ बेटर टू असेस द रिक्वायर्ड लेंथ इन द पोजिशन फ्रॉम द एल्बो टू द फ्लोर। हम क्या करते हैं, एल्बो से फ्लोर तक उसकी पोजीशन ले लेते हैं। अगर हम पेशेंट को देखते हैं कि अगर पेशेंट जो है लेइंग पोजीशन पे है और शू उसने पहने हुए, तो हम क्या करते हैं पॉइंट कहाँ से लेते हैं, क्योंकि उसने एल्बो फ्लेक्स किया हुआ है, वहाँ से लेके 20 सेंटीमीटर लैटरल टू द हील तक हम क्या करते हैं उसकी लेंथ ले लेते हैं। क्योंकि द पेशेंट जो होते हैं विद रूमेटॉइड डिजीज़ में उनमें क्या होता है एलो कर रहे होते हैं हिप और नी जॉइंट नी, ताकि वो टू फ्लेक्स द वेट बेयरिंग पोजीशन, क्योंकि उनके मसल जो होते हैं वीकनेस हो रही होती है, उनमें पेन हो रहा होता है, बट द गटर क्रचेज फॉर द स्पोर्ट
एबल टू ऑब्टेन मोर एक्सटेंशन उसमें हो रही होती है ना, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें मैक्सिमम हम क्या कर रहे होते हैं, एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ द क्रच वॉकिंग, हम किस तरीके से क्रच वॉकिंग के साथ पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्म, द पावर ऑफ द एक्सटेंशन एंड एडक्टर ऑफ द शोल्डर इन द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो मस्ट बी असिस्टेड एंड इफ नेसेसरी स्ट्रेंथन बिफोर द पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग। हमें चाहिए कि हम उनको स्ट्रेंथन करें ताकि वो वॉकिंग ईजिली कर सकें। हैंड ग्रिप हम देख रहे होते हैं कि हम टेस्ट कर रहे होते हैं और देखते हैं कि पेशेंट को इतनी पावर है कि वो उसको और इतनी पावर है और मोबिलिटी है कि वो जो हैंड ग्रिप है, हैंड पीस है, उसको पकड़ सकें, ठीक है। और इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, टाइप ऑफ क्रचेज जो है वो चूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम आर्म्स की जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो पावर है, मोबिलिटी जो है उसकी, हम देख के उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे होते हैं, जो स्पेसिफिक क्रच है वो हम देख रहे होते हैं। जब हम लेग्स, हम इसके बाद हम लेग्स में लेग्स की असेसमेंट करते हैं। नॉन वेट बेरिंग में हम देखते हैं, अगर हमें नॉन वेट बेरिंग का पेशेंट को दिया हुआ है कि पेशेंट नॉन वेट बेरिंग करेगा, तो हम मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अनअफेक्टेड लेग शुड बी एड्रेस्ड हम करेंगे। पैंक पर हम ज़्यादातर अटेंशन दे रहे होते हैं हिप एब्डक्टर्स एंड एक्सटेंसर और एब्डक्टर एक्सटेंसर पे दे रहे होते हैं। उसके साथ हम नी के एक्सटेंसर्स पे देख रहे होते हैं और प्लांटर फ्रैक्चर ऑफ द एंकल पे देख रहे होते हैं कि वो सही वर्क करें, यानी दिस मसल अगर इसमें थोड़ी सी बहुत स्ट्रेंथ है ताकि वो बॉडी का वेट उठा सकें, तो हम क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट को हम टीच करते हैं हिप हाइकिंग ऑन द नॉन वेट बेरिंग साइड, इफ अगर हमें इसकी रिक्वायर्ड होगी तो हम इसको टीच करवाएंगे। जब हम पार्शल वेट बेरिंग की बात करते हैं, द मोबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ लेग्स जो हैं शुड बी हम असिस्ट कर रहे होते हैं। द मसल स्ट्रेंथिंग हम वो भी देख रहे होते हैं जहाँ पे हमें मसल स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ कहीं पे हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसलिए बैलेंस हम क्या करते हैं, बैलेंस को भी चेक कर रहे होते हैं। सिटिंग एंड स्टैंडिंग बैलेंस मस्ट बी टेस्टेड एंड ट्रेन, इफ हम इसको फिर ट्रेन करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बैलेंस कहीं पे कमी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ट्रेन कर रहे होते हैं। डेमोंस्ट्रेशन द फिजियोथेरेपिस्ट शुड बी डेमोंस्ट्रेट द एप्रोप्रिएट क्रचेस क्रच वॉकिंग टू द पेशेंट एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम क्या कर रहे थे, पेशेंट को हमने डेमोंस्ट्रेट किया कि किस तरीके से आपने क्रच वॉकिंग करवानी है पेशेंट, ठीक है। जब हम क्रच वॉकिंग करवाते हैं तो हमारे पास जो है सब पेशेंट की हमारे पास कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से पेशेंट को करवा रहे हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट शुड हैव एन असिस्टेंट विद द पेशेंट इज टू स्टैंड एंड वॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे पास असिस्टेंट होना चाहिए जो फर्स्ट टाइम जो है पेशेंट को वॉक करवाएँ, ठीक है, और उसको गाइड करें। दिस पर्सन मे बी अनदर फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, नर्सिस भी हो सकती है, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो सकता है, या फिर पेशेंट का अपना रिलेटिव हो सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट बी इंस्ट्रक्ट इन द असिस्टेंट एंड ऑन हाउ द सपोर्ट द पेशेंट टू द अपराइट पोजिशन एंड देन हाउ टू ट्रांसफर द पेशेंट ऑन द क्रचेज। फिजियोथेरेपिस्ट उसको टीच करेगा कि किस तरीके से क्या है पेशेंट को ट्रांसफर करना है क्रचेज में। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन वेट बेरिंग। नॉन वेट बेरिंग में द पेशेंट शुड ऑलवेज स्टैंड विद द ट्राइंगुलर बेस द क्रचेज आइदर आर इन फ्रंट आर बिहाइंड द वेट बेरिंग लेग, क्योंकि हमारे पास जो है एक लेग उसकी जो है वो उसमें हमें वेट बेरिंग करवानी है और एक में नहीं करवानी, ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगुलर पैटर्न बनेगा, ये ट्राइंगुलर बेस बन रही है, ठीक है। या तो हमारे पास क्रचेज आगे होंगी या तो हमारे पास क्रचेज जो हैं वो आगे होंगी, ये क्रचेज आगे हैं, या फिर क्रचेज पीछे हैं तो आपके लिम्स आगे है, ये हमारे पास एक पैटर्न है। इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं पेशेंट को, यही ये पैटर्न जब हमारे पास बनता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो वॉक के लिए हम क्या करते हैं, द पेशेंट फर्स्ट मूव द क्रचेज अ लिटल फर्दर फॉरवर्ड। हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो क्रचेज है उसको लेके थोड़ा सा आगे मूव करवाएंगे, ठीक है, मूव करवाएंगे आगे थोड़ा सा, ठीक है, एंड टेक द वेट डाउन थ्रू द क्रचेज। अब वेट जो है क्रचेज पे आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्या करेगा पेशेंट, ये जो फुट है इसको उठा के आगे रखेगा, ठीक हो गया।
और उसका जो फुट का फुट जहाँ पे रखेगा ना वो बिहाइंड होगा क्रचेस की लाइन से, ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रा की है इससे बिहाइंड वो रखेगा हाथ। वन दिस इज द मास्टर अ पेशेंट में प्रोग्रेस टू लिफ्टिंग द फुट फॉरवर्ड टू द पोजिशन जस्ट फ्रंट लाइन ऑफ द क्रचेस। अब क्या किया पेशेंट ने, यहाँ पे रखा और फिर क्या किया उसने, फिर क्या किया अपना फुट जो है वो फॉरवर्ड कर रखती है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट ट्रेनिंग सीख रहा था। जब पेशेंट को उतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी तो पेशेंट क्या करेगा, यहाँ पे नहीं रखेगा, अब क्या करेगा आगे फुट रख देगा, कहाँ पे, यहाँ पे रख देगा, क्योंकि उसने प्रोग्रेस सीख लिया ना। तो फिर वो क्या करेगा सेकंड सी स्टेप में, वो क्या करेगा सी स्टेप में क्या है, वो तब ये क्रचेस से आगे रखेगा जब उसने इसको प्रोग्रेस कर लिया, कुछ ठीक कर दिया। अभी जब लर्नर था तो वो कहाँ रखेगा, बैक ऑफ द क्रचेस, ठीक है, जब उसने सीख लिया तो फ्रंट ऑफ द क्रचेस वो क्या करेगा फुट रखेगा। ये हमारे पास है नॉन वेट बेयरिंग का पैटर्न। अच्छा, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन अ सर्टन केस ऑफ द पेशेंट टू प्रोग्रेस टू शेडो वॉकिंग, देयर इज अफेक्टेड लेग इज मूव इन सीक्वेंस स्टिमुलेटिंग द वॉकिंग बट टेकिंग नो वेट। ठीक है, जब हम पार्शियल वेट बेयरिंग की बात करते हैं, हमने थोड़ा सा पार्शियल वेट बेयरिंग दिया अगर, तो उसकी बात करते हैं। टू मेथड ऑफ द पार्शियल वेट बेयरिंग है हमारे पास। सबसे पहले क्या है, द प्रोग्रेशन फ्रॉम द शैडो वॉकिंग, वही बात थी कि शैडो वॉकिंग वो कर सकता है। देखो, द प्रोग्रेशन फ्रॉम द शैडो वॉकिंग, देर इज नो वेट इज टेकन थ्रू द अफेक्टेड लेग, यहाँ पे जो है हमारे पास कोई वेट नहीं लिया हुआ। टू परमिट अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द वेट टू द वेट टू बी टेकन, ठीक है, क्रचेज ऑफ द अफेक्टेड लेग आर टेकन फॉरवर्ड, सबसे पहले हमने क्रचेज रखी आगे और एंड पुट डाउन टुगेदर। हमने क्या किया, फुट भी हमने आगे रखा, अफेक्टेड फुट भी रखा और हमने क्रचेज भी आगे रखी, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। द वेट इज टेकन थ्रू द क्रचेज एंड अफेक्टेड लेग वाइल ने वेट जो है उसने जो क्रचेज ने ले लिया, जो अनअफेक्टेड फुट है वो हम क्या करेंगी फिर, जो आपके क्रचेज और अफेक्टेड फुट है उसके आगे रखेंगे। ये हमारा ठीक फुट है तो उसने आगे रखा हमने, ये हमारे पास क्या है पार्शियल वेट बेयरिंग की थी। और सेकंड मेथड जो हमारे पास इसका है वो क्या है, इसमें आप क्या करते हो, द मेथड इज स्टिमुलेट द नॉर्मल वॉकिंग को स्टिमुलेट कर रहा होता है एंड मोर वेट इज टेकन थ्रू द अफेक्टेड फुट, और इसमें क्या होता है ज़्यादा वेट जो है आपका अफेक्टेड फुट उठा रहा होता है। द क्रचेज इज मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले हमने क्या किया एक क्रच आगे की, हमने क्या किया राइट क्रच, सबसे पहले हमने इसे यहाँ पे क्या किया राइट ले लिया, ये हमारी राइट और ये हमारे पास लेफ्ट, सबसे पहले हमने क्या किया राइट क्रच को आगे किया, ठीक है, और उसके साथ हमने लेफ्ट लेग को लेके आए, लेफ्ट लेग को लेके आए, देन हमने क्या किया लेफ्ट जो क्रचेज थी उसको भी आगे लेके गई, ये ठीक है। जब हमने राइट क्रच को आगे किया फिर हमने लेफ्ट फुट को आगे किया जो ठीक था, उसके साथ हमने लेफ्ट क्रच को भी लेके आगे, ठीक है, उसके साथ हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया जो अफेक्टेड फुट था उसके एंड पे हमने क्या किया उसको लेके आए, ठीक है। दिस कैन बी प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस टू मूविंग द राइट क्रच विद द लेफ्ट लेग एंड वाइस वर्सा। हम देख लेते हैं स्टिक्स या तो पेटल की बनी होती हैं, वुड की भी बनी होती है, लेकिन उसमें हमारे पास जो है हैंड पीस या तो कर्व्ड होगा, ठीक है, या फिर स्ट्रेट होता है। ये मेटल वाली जो होती है वो एडजस्टेबल भी हो सकती है, सूटेबल होती है फॉर असेसमेंट पर्पज़ के लिए। वुडन जब हम यूज़ करें तो उसको हम जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है लेंथ हम उसके लिए उसको कट कर सकते हैं। मेजरमेंट जो हम ले रहे होते हैं इसकी, हम क्या करते हैं पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स होगी, तो हम क्या करेंगे मेजरमेंट लेंगे अल्नर स्टेलाइट प्रोसेस से फ्लोर तक अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द हील से, ठीक है, हम ले रहे होते हैं। ये हमारी हाइट होती है किसकी, स्टिक की या कैन की। हम देख लेते हैं इसके यूजेज ऑफ द स्टिक्स, यूजेज ऑफ द स्टिक्स, दिस इज पेशेंट मे बी यूज टू स्टिक्स इन द सेम वे एज द मेथड डिस्क्राइब फॉर पार्शियल वेट बेयरिंग। पेशेंट दो स्टिक्स यूज़ कर सकता है, जैसे हमने क्रचेज में पढ़ा था कि पार्शियल वेट बेयरिंग में किस तरह यूज़ कर सकता है। स्टिक्स जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि मोर वेट जो है वो लेग्स पे लिया जाए, एज
जैसे जिस तरह हम क्रचेज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, लिम्स जो है वो अपर लिम्स जो है वो ज़्यादातर वेट ले रहा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्स के। वंस स्टिक में भी यूज ऑन द अनअफेक्टेड साइड, जब भी अनअफेक्टेड साइड पर हम यूज़ कर रहे होते हैं सो दैट द स्टिक एंड द अफेक्टेड लेग प्लेस फॉरवर्ड टूगेदर, हम क्या कर रहे होते हैं अनअफेक्टेड साइड पर अगर ले रहे होते हैं तो स्टिक और अफेक्टेड साइड जो है हम फॉरवर्ड रखते हैं और टेकिंग द सम ऑफ द वेट थ्रू दी स्टिक, हम इस तरह क्या करते हैं उसका वेट जो है उसके साथ ले रहे होते हैं। हाँ, ट्राईपॉड और क्वाड्रोप जो है हमारे पास ये है, ये इसमें जो है एडजस्टेबल 3.3 जो है ये आप देख सकते हो, ये एडजस्टेबल है, इसमें 4 हैं और इसमें प्रोंडेज बेस है, इसमें 3 प्रोंडेज बेस है और ये मोर सूटेबल होते हैं स्टिक के, ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए हम ये दे रहे होते हैं पेशेंट को। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेम्स ना, हमारे पास जो फ्रेम्स हैं ये हमारे पास मेटल का बना होता है, एडजस्टेबल होता है, लाइट वेट है, फ्लर्स होता है, हैंड ग्रिप के लिए बना होता है, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के रख सकते हो, इसके ऊपर बांध रख सकते हो, ठीक है। ये पेशेंट जो है, पेशेंट इसको लिफ्ट कर रहा होता है, सबसे पहले फॉरवर्ड ही रखता है, देन फिर स्टेप लेता है, एक दो स्टेप लेता है, पेशेंट लिफ्ट द फ्रेम फॉरवर्ड और देन लीन टू इट, उसके ऊपर लीन करता है, देन टू स्टेप और फिर दो स्टेप लेता है, फिर पेशेंट इस तरह पेशेंट जो है इवन स्टेप भी ले सकता है और क्या करता है फ्रेम को आगे आगे फॉरवर्ड करता है और ओबियसली कुछ चीज़ें भी उसके साथ अटैच कर लेता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो है, आप देखते हो ये जो है अफेक्टेड आर्म, अफेक्टेड फुट है या नॉन अफेक्टेड फुट है, ये पेशेंट ने आगे किया, देन उसने स्टेप लिया, देन फिर उसको फिर दोबारा से फॉरवर्ड करेगा। ये इसकी क्या है वॉकिंग फ्रेम के साथ वॉकिंग कैसे होते हैं। एटैक्सिक पेशेंट हु आर यूजली अनस्टेडी टू लिफ्टिंग द फ्रेम फॉरवर्ड मे बी एबल टू यूज़ आर रोलेटर, हमारे पास रोलेटर्स जो होते हैं फ्रेम्स होते हैं विच कैन बी पुश्ड आर रेसिप्रोकल फॉर्म वेयर ई साइड मूव इंडिपेंडेंटली, हमारे पास ये होते हैं जिसमें आप यहाँ पे क्या होता है टाइल्स लगे होते हैं जिसको क्या है वो या फिर रेसिप्रोकली होते हैं जो क्या होता है ये आप पहले ये आगे जाएगा ये पीछे रह जाएगा फिर ये आगे जाएगा और ये फिर उसके बाद आगे जाएगा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल फ्रेम्स भी होते हैं जो एटैक्सिक पेशेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाँ, देन है सेफ्टी, सेफ्टी द फिजियोथेरेपी मस्ट चेक द सेफ्टी ऑफ ऑल वॉकिंग एड्स नॉट ओनली व्हेन द गिवन टू द पेशेंट बट रेगुलरली थ्रू आउट द ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए हम देख रहे होते हैं। द पेशेंट मस्ट बी टाट टू इंस्पेक्ट हिज वॉकिंग एड्स एंड हाउ वेदर टू बी यानी कि उनको रिप्लेसमेंट कोई भी उसका पार्ट है उसको हम रिप्लेसमेंट करना है तो वो हम उसको एडजस्ट करना होता है चाहे वो फ्लर्स हैं क्योंकि रबड़ और प्लास्टिक की चीज़ों से बने होते हैं तो वो कभी कभी क्या है वो फ्रिक्शन की वजह से उनमें वेयर एंड टेयर हो रहा होता है तो इसलिए हम उसको चेंज करवा कर लेते हैं। इसके साथ क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन शुड बी हम देख रहे होते हैं कि स्क्रू मेटल क्लिप्स प्रेशर जो बटन हैं हमारे पास ये हैंड ग्रिप है एक्सिलरी पैड है वो सारे गुड कंडीशन में हैं या से नहीं तो वो हम सब उसी के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं।